आज हम सभी को पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का बर्थडे है, लेकिन उनके बर्थडे को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। 5 सितंबर को हम सभी हर साल टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। टीचर्स डे मनाने के पीछे क्या रीज़न है? क्या हम अपने टीचर्स को, जिन्होंने हमको सिखाया, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम अच्छाई और बुराई में फ़र्क महसूस कर सकें, हम सोच सकें, हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, अगर इन सब में हम कुछ कर पा रहे हैं तो ये मान के चलें कि टीचर का बहुत बड़ा रोल है। कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो टीचर हमारे लिए, सोसाइटी के लिए करते हैं, वो आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहला, हम सभी को पता होना चाहिए कि टीचर्स जो होते हैं वो सोसाइटी के लिए एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। अगर इस सोसाइटी के अंदर आप टीचर्स को निकाल दें तो सोसाइटी अधूरी है, सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। दूसरा, आपको पता है कि टीचर हमें मोटिवेट करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, जिससे कि हम अपनी ड्रीम को अचीव कर सकें। तीसरी बात, ये भी हमको पता होना चाहिए कि जो टीचर हैं वो हमारी हेल्प करते हैं उन रास्तों को फाइंड आउट करने के लिए जो रास्ते सक्सेस की तरफ जाते हैं। साथ ही साथ जो अच्छे टीचर्स हैं, कभी भी याद रखिएगा, जो अच्छे टीचर्स हैं वो क्लासरूम तक महदूद नहीं रहते, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बियॉन्ड क्लासरूम रहता है। यानी क्लासरूम के बाहर भी अगर हमारे ऊपर किसी टीचर का इन्फ्लुएंस है तो आप याद रखें वो टीचर आपके लिए एक मेंटर की तरह काम कर रहा है। तो मेंटर का बेसिकली काम क्या है वो भी हम समझेंगे अभी। दूसरा, अगर हम बात करें, जो टीचर्स होते हैं वो शेप देते हैं हमारे थॉट्स को। थॉट्स तो आपको बताएं कि हर दिन 85,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन टीचर्स का काम क्या होता है, जो अच्छे थॉट्स हैं उनको ये शेप देना। ज़्यादातर सोसाइटी में लोगों का यह मानना है कि टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉलेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट नॉलेज की हम बात नहीं कर रहे हैं। टीचर का रोल होता है एम्पावर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स, डेवलप स्किल्स, जिससे कि जो चैलेंजेस हैं लाइफ के चैलेंजेस उनको वो फेस कर सके। सही मायने में आपका जो एजुकेशन लेने का मेन मोटिव है वो ये होना चाहिए कि लाइफ में जो चैलेंजेस हों उनको आप अच्छे से फेस कर पाए, सही डिसीज़न लेने में आपकी हेल्प करे आपकी एजुकेशन, आपको सही और गलत का अंदाज़ा होना चाहिए, आप अपने विवेक से डिसीज़न ले सकें, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही हैं और एक टीचर आपकी हेल्प कर रहा है इन सब चीज़ों को डेवलप करने में, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लकी हैं कि आपको एक अच्छा टीचर मिला है। बात करेंगे जो टीचर्स के रोल हैं। बेसिकली हम सभी को सोसाइटी में, ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि टीचर्स का बेसिक रोल क्या है, पढ़ाना, यानी टीच करना। हम यह बात करेंगे 7 पॉइंट पे, क्या इन 7 पॉइंट को आप नज़रअंदाज कर पाएंगे। नंबर 1, अगर हम बात करें टीचिंग, अब कोई टीचर सिर्फ टीच कर रहा है वो डिस्कस नहीं कर रहा है तो आप यहाँ समझे कि आप बहुत अच्छा सीख नहीं पाएंगे। तो एक अच्छे टीचर का काम क्या होता है, टीचिंग के साथ साथ स्टूडेंट के साथ डिस्कस करेगा, वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको डिस्कस करेगा। दूसरे नंबर पर टीचर का काम होता है काउंसलर का, यानी काउंसलिंग करना, आपकी काउंसलिंग करेगा, टाइम टू टाइम आपको बताएगा कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, कौन से रास्ते पर अगर आप चलेंगे आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें, जो भी टीचर से आप देखेंगे, आप क्लासरूम में बैठे हैं तो टीचर बहुत आसानी से एक स्टोरी सुना के और आपको कन्विंस कर देते हैं, आपको समझा देते हैं कोई भी छोटी सी बात, तो टीचर एक स्टोरी टेलर भी होता है। साथ ही साथ टीचर एक एजुकेटर की तरह काम करता है। और बात करें एक रोल मॉडल की, अच्छा टीचर आपके लिए हमेशा एक रोल मॉडल की तरह काम करता है। एक अच्छे टीचर को आप अपना मेंटर कंसीडर कर सकते हैं, काउंसलर मान सकते हैं, आप रोल मॉडल उसको कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पर आती है टीचर के लिए, जो टीचर हमें प्रोवाइड करा रहे हैं
फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का काम होता है बेसिकली आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना। आप स्कूल में जा रहे हैं, तो आपको फैसिलिटी दी जा रही है। बैठने के लिए चेयर होगी, पढ़ने के लिए बोर्ड होगा, क्लासरूम में एसी होगी, फ़ैन होगा, टीचर अवेलेबल होंगे, हर एक चीज़ अगर आपको अवेलेबल कराई जा रही है, इसका मतलब टीचर का बेसिकली काम ये भी है कि फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर सके।